हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। पहलगाम में आपका स्वागत है। तो पहलगाम में हम एंटर करने वाले थे और एंटर करते साथ ही बहुत ही अच्छा फोटो पॉइंट है यहाँ पे ना, बहुत ही खूबसूरत मंजर देखने को मिल रहा था। बहुत सारे लोग इकट्ठे थे, सब यहाँ से रुक के ही जा रहे थे। वहाँ पे हमें दिखा ये वुडन की रिंग में ना आपका नेम कस्टमाइज करके दे रहे थे, तो हमने कहा फिर ये ले लेते हैं बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी। साथ साथ हमें वहाँ पे कुछ पहचान के लोग भी मिलते जा रहे थे। और वहाँ पे मुझे दिखा ये प्यारा सा रैबिट। अच्छा, जो वहाँ के लोकल लोग हैं ना, वो अपने पेट्स को लेके यहाँ पे आ जाते हैं, तो जिनको भी फोटोज क्लिक करानी है पेट के साथ वो उसे दे देते हैं। बदले में आप उन्हें खुशी से पैसे दे सकते हैं, जितने भी आपको देने हैं। और वहाँ पे खाने के लिए भी था, तो पहाड़ों की मैगी जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है, और उनके पास ब्रेड ऑमलेट था, वो सारी चीज़ें थी। तो सनी को तो पहाड़ों की मैगी खाना ही थी, तो फिर हमने ली मसाला मैगी। सनी कह रहा उसको वहाँ जाके मैगी खानी है। चलो जैसा शौर जी बोलेंगे। और अब हम पहलगाम की मार्केट में एंटर कर रहे हैं। ये आ गई पूरी पहलगाम की मार्केट, ये देखिए। फ्रेंड्स, अभी सनी जिनसे मिल रहा है ये भाई आए थे मौदाहा में कमरिया बाबा के मेले में, इन्होंने कश्मीरी शॉप लगाई थी, तब हमारी इनसे बात हुई थी, पहचान हुई थी। इन्होंने हमें कांटेक्ट किया कि ये पहलगाम से, और फिर हम इनसे मिले। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? यहीं से हैं? अरे आपने कांटेक्ट किया, बहुत अच्छा लगा। और सब खैरियत? जी आ गया हमारा होटल, बेहतरीन लोकेशन पे यार। ये है रेडिसन होटल पहलगाम में, हमारा यहाँ एक दिन का स्टे है। मतलब आज के दिन, आज की रात ही हम कश्मीर में हैं। नहीं निकाली गई थी, हमारे दोस्त मिल गए यूट्यूब पे, एक तरह से फैमिली है। मैं बड़ोड़ा गुजरात से, गुजरात से। मेरे हस्बैंड है कुणाल। हेलो, चलिए मिलते हैं फिर। आप यहाँ पे ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जैसे ही आप जाते हो तो आपका कहवा के साथ जो है वो वेलकम होता है। और यहाँ पे ग्लासेस देखो कितने अच्छे दिए हैं। बस अभी हमारा रूम अलॉट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि चेक इन टाइम यहाँ पे होटल्स का 2 बजे ही है। हम 12:30 पे आ गए इसलिए क्योंकि हमें ट्रैफिक अवॉइड करना था, बीच में घूम भी लिया है, तो इधर वेट कर लेंगे। यहाँ तो ऐसा है कि आप जहाँ बैठ जाओ वहीं आपको घूमने की जगह लगेगी। सामने देखो हमारे घूमने की जगह, यहाँ बैठे हैं तो यहाँ ऐसा लग रहा है हम बैठे हुए हैं अच्छी जगह। यहाँ पे साइड में कितना अच्छा व्यू, कैसा लगा? अच्छा, ये भी मैंने देखा नहीं है। ये तो देखे। थैंक यू सो मच। ये देख लो पहले। देखा। चलिए एंजॉय कीजिए, किसी भी चीज की जरूरत हो। हाँ हाँ, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। ये भी बताओ, ये आइडिया कैसे का था? तुम्हारा तो नहीं था, मेरा था सच में। तो आपने नाम क्यों नहीं लिखवाया? नहीं, तेरा नाम लिखवाया था। अच्छा लगा? अच्छा। रोना नहीं, देखो यार नहीं। रोना नहीं प्लीज यार। फ्लावर के लिए होता है, फ्लावर अरेंज नहीं कर पाए लोग। अरे बहुत हाँ। है, आपको भी तो होना चाहिए। मेरा नहीं है। वेलकम सबा इब्राहिम। छोटी छोटी चीजें कितनी ज्यादा खुशी देते हैं, सच में बहुत प्यारा सरप्राइज है। और जब आप इसकी उम्मीद ही नहीं कर रहे हो, ख्यालों में भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप इतना लेके आए, वही बहुत बड़ी बात है। आपने इतना मतलब अच्छे से ख्याल रखा, मतलब एक बच्चे जैसा कि अरे इसको ये नई नई जगह आई है, इसको ऐसा तो नहीं लगेगा। कल मुझे पूरी रात नींद नहीं आई क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे। सनी को इतना डर नहीं लगता, लेकिन मेरी वजह से वो पूरी रात जाग गए। तो बस ये सब चीजों के लिए थैंक यू। ये कश्मीरी खीर ये लोग जो देते हैं ना, ये बहुत अच्छा लगता है। भले थोड़ा सा पूरा रूम मॉडर्न है, लेकिन ये थोड़ा कश्मीरी आर्ट से बहुत अच्छा लग रहा है। टीवी यहाँ साइड में लगी है। अच्छा, ये भी तुम ये है कश्मीरी खीर। पीछे देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आपसे मिलते हैं फ्रेंड्स थोड़ी देर बाद, रेडी होके। ऐसी रात भर सोए नहीं तो सुबह ऐसे उठ के आ गए ना। ये वाली मेरी ड्रेस है, इसका गला बहुत ज्यादा बड़ा है आगे से, तो मुझे ना उसका थोड़ा गला दबाना, इसलिए मैं सुई धागे से सी कर लूंगी। अब कहते हो ना तुम क्यों चुरा के ले आती हो सामान, ये तो चुराना नहीं कहते। नवरोज वाला श्रीनगर का, वहाँ पे एक किट दी हुई थी, आज ये काम आ गई। ये सुई में डाला धागा, चोर निकल के भागा। मुझे सेटअप इतना प्यारा लग रहा है, स्पेशली ये कलर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब भी अगर घर में
थैंक यू। इसका कलर और लुक देखिए फ्रेंड्स, सब कुछ मत देखिए। तो एक कारपेट लेके चलेंगे। ऑरेंज जैकेट मैंने ली थी कि ऐसे अच्छा लगेगा, खिलेगा, लेकिन पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लग रही। इसमें बड़ा गर्दा लग रहा है तुम्हारा। इतना गर्मी जाने के लिए रोड कैसा? हमारी गाड़ी आ गई, हम निकल रहे हैं। तो पहलगाम की पहली साइट सीन के लिए हम आ गए हैं, जो कि है बेताब वैली। और ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे शूटिंग हुई थी बेताब फिल्म की। जब हम जवां होंगे, जब हम जवां होंगे, जाने कहाँ होंगे, ये गाना तो सबने ही सुना होगा। 90s वालों का फेवरेट गाना था। और भीड़ जो है वो इतनी ज्यादा है कि हम अपनी गाड़ी से उतर के पैदल पैदल जा रहे हैं कि ट्रैफिक जो है वो पूरा जाम है। इतने ज्यादा लोग है ऊपर, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है। मिलेगा नाम है अरविना। आपका? आपको कैसा लग रहा है बेताब वैली में आके? ये वाला खुद ही पोज देता है सर, वो बड़ा वाला। अच्छा? जैसा बोलेगा ना पोज, हाँ। वैसा देगा। आप बेटा चेयर पे दूर रहता है, इससे अगर डर लगेगा ना भाई साहब मेरे को मारेगा। नहीं अरे कोई नहीं, मैं हूँ ना, मैं हूँ। चलो भाई नीचे, आप बैठो चेयर पे, चेयर पे आ बैठो ना, चेयर पे नीचे करो, सही है ना? चलो भाई गोदी में सो जाओ, गोदी में सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, ये खुद सोए। बहुत प्यारा सर, ये पश्मीना गोट है दीदी, ये आम गोट नहीं है। ऐसा हाथ दे सल्लू भाई। हां सल्लू भाई, सल्लू भाई, अरे वाह सल्लू भाई, अब नीचे उतर जाओ, तुम नीचे उतर जाओ, नीचे उतर जाओ। पानी कितना करीब है और कितनी तेज बहाव है इसका, बहुत अच्छा लग रहा है। वो दिख रहा है रोड ऊपर, ठीक है हाँ। मैं दिखा दूँ, और मैं वहाँ जिंदगी में नहीं जाऊँगा। क्यों? अभी हम ऐसी रोड से तो आए, वो और ऊपर है, वो शूट जहाँ पे हुआ था। फ्रेंड्स यहाँ पे काफी सारे लोग आए हुए हैं, स्कूल के बच्चे आए हुए हैं पिकनिक पे, और लोग ऊपर तक घोड़े से जा रहे हैं। क्यूट लग रहा है। कश्मीर में देख के लग रहा है कि तुम्हें यहाँ भी लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। हाँ। शुक्रिया कश्मीर वालों, बहुत बहुत दिल से आपका। घोड़े के लिए खास लेके जा रहे हैं? हाँ, जो लोकल यहाँ घोड़े वाले होते हैं हाँ। ये सब घास ले जाते हैं। अच्छा हाँ। और यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए ना झूले भी है, फिर इसे बैठते ब्रेक डांस। डर तो नहीं लग रहा? अब डर लगे कुछ लगे, शादी की अब भुगतना तो पड़ेगा ना। बहुत गंदे हो फ्रेंड्स, आप भी ब्रेक डांस करिए मेरे साथ। बहुत मजा आ रहा है फ्रेंड्स, मेरे को जगह को मजा नहीं आ रहा है। आज के बाद अगर मुझसे कह दिया कि यहाँ से बैठना है तो मैं बताऊंगा। ठीक हो? आ जाओ, इस लड़की ने मेरी जान निकाल ली आज। देखिए यहाँ स्कूल के बच्चों ने पकड़ लिया इसको, ये देखिए पानी की रफ्तार देखिए बस। पर हर तरफ तुम कहते हो कि मैं तुम्हें परेशान करती हूँ, अगर तुम्हारी कहीं और शादी होती सिंपल सी लड़की से, मजा होता जिंदगी में। अमृता सिंह, बेताब, जाओ जाओ। घोड़ा देखिए वो पानी से आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे घोड़े से घुमाने लेके जाते हैं, पानी से इधर पानी से उधर, वरना हम उस साइड नहीं जा पाएंगे। लेकिन मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है, हमने यहाँ पे इस साइड बहुत ज्यादा मजा कर लिया। Nico, hi, I watch your videos. That's what I was telling you. Panjan, tum dabba. Friends, pani ka bahav dekhiye, awaaz dekhiye aur speed dekhiye. हम आओ गाड़ी वालों कहाँ गो? ज़्यादा थकान हो गई, इतना चल चल के चल चल के हम लोग कहाँ कहाँ तक चले गए? हो गई भैया दिलबाग वैली की, दिलबाग नहीं
अरे जो भी यार दिलबाग बेताब जो भी है, मेरा मुंह सूख रहा है जब से इसने झूले झुला दिए, मुझे आ रहे हैं चक्कर। कलर भी मैंने कहीं नहीं देखा। छतरी के नीचे है जादू। घूम के आ चुके थे फ्रेंड्स और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे मजार शरीफ है पहलगाम में। चलो यहाँ ही मंकी आ गए। मंकी कलर का दुपट्टा भी हो रहा है और आ जाएंगे पहचान। कोई नहीं आएगा। पहुंच गया मजार शरीफ के पास, चलिए चलते। और ये रहे सामने मजार शरीफ और व्यू भी देखिए नीचे कितना अच्छा आ रहा है। तो यहाँ पे वो तो बजरंगी भजन वाला मस्जिद है और यहाँ पे दरगाह। ये मजार फ्रेंड्स एकदम पहाड़ के ऊपर टॉप पे बने हुए हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं और अपनी मन्नत के लिए देखिए सबने ना कुछ धागे चूड़ियाँ बैंड्स बांधे हुए हैं। और यहाँ पे आप अंदर का रास्ता देखिए, एकदम पहाड़ के अंदर 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 जाना है, फिर वहाँ पे मजार बने हुए हैं, यहाँ तक कि पहाड़ का पानी भी इसके अंदर से आता है। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने, बहुत शुक्रिया आपने इतने अच्छे से घुमाए। दोबारा आएंगे तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, जब बुलाएंगे कमरिया बाबा तो आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है भाई, राजा भाई बिल्कुल ठीक है, सही सामान। उसके बाद हम पहलगाम की मार्केट में आ गए और कश्मीरी अखरोट तो हमें लेके जाना ही जाना थे, तो ये अलग अलग वैरायटी रखी हुई थी, 480 रुपीस केजी थे जो हमने लिए। तोड़ दिया। तो अब रात के हो गए 9:30 और हम जा रहे हैं डिनर के लिए। ज्यादा ठंडी लग रही है, चलो आज जल्दी फटाफट चले। खा लिया फ्रेंड्स और वॉक भी कर लिए और रात का नज़ारा इतना अच्छा लग रहा है होटल का, मतलब वुडन हाउसेस हैं, लाइट जल रही है, हरे हरे पेड़ हैं और मौसम भी ठंडा हो गया ना। इंशाल्लाह सुबह 5 बजे उठना है तो अभी हम चल रहे हैं रूम में, पूरा वुडन हाउस है तो मुझे लगता है इसमें लिफ्ट नहीं है। सुबह के 6 बज रहे हैं और हम निकल चुके हैं जम्मू के लिए। जी, हम लोग अपने पहलगाम से निकले और मेरे ख्याल से 60 किलोमीटर ही आगे आए होंगे, उसके बाद जाम मिल गया तो 2 घंटे हम यहाँ खड़े थे, अभी हो रहा है 9 बज रहा है। कोई कह रहा है लैंडस्लाइड हुआ है, हो गया था, कुछ नहीं पता, आइडिया कुछ है नहीं कब तक जाम खुलेगा, कब तक हम आगे पहुँचेंगे। इस जगह पे फ्रेंड्स हम कंटिन्यू 8 आवर्स तक रुके रहे और कुछ नहीं पता था कि हम कब निकलेंगे। ये लगा पूरा लंबा जाम लगा है यहाँ पे, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, खाते हैं तरबूज और पेट को देते हैं आराम। फ्रेंड जाम खुल गया, आराम से बेबी, निकल जाने दो लोगों को, लोग ऐसे भगदड़ मचा रहे हैं, आराम से बेबी नॉर्मल। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबका सफर आसान अल्ला। करे अल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मैं आपको आपका की तरह मानता हूँ, बाकी अल्लाह आपको सलामत रखे, आप बात करें सर मुझे, कैसे हो भाई, आप खुश रहें, सलामत रहे, बहुत अच्छे, थैंक यू थैंक यू, एंजॉय, गॉड ब्लेस यू, शुक्रिया भाई, शुक्रिया 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 साहब, शुक्रिया। इतना इमोशनल लग रहा है, लग रहा था कि हम कब निकलेंगे। सब कुछ बहुत अच्छा होता है लेकिन अपने घर की तो याद आती है और ऐसे में और ज्यादा घबराहट होने लगती है। दिल को थोड़ा सुकून आया फ्रेंड्स, बिना कोई रीजन बताए एक जगह पे 8 से 9 घंटे खड़े रहने में डर तो लगता ही है, लेकिन चलो अभी हम चलते हैं अपने सफर में जम्मू की तरफ। श्रीनगर से आ चुके हैं यहाँ पे, हमारा कश्मीर वाला सफर खत्म हो गया और अभी हमें जम्मू से पहले मंथल में हमने यहाँ पे खाना भी खाया
अब चलते हैं आगे। जम्मू तभी रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। भाई भाई अच्छा बहुत अच्छा लगा आपके साथ, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आएंगे दोबारा, आप मुंबई आइए इंशाल्लाह। दीदी मजा लग गया मेरे साथ, बहुत अच्छा। जब भी आओगे बस दुआ में याद रखिए। हाँ अगर नींद आए तो सो जाना, आराम से जाओ। फिर मिलते। फ्रेंड्स दिल्ली जैसे गए थे बस लेट ही गए थे, कुछ नहीं किया था। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग दिल्ली पहुंच गए सुबह और मैं नमाज़ पढ़ के आ गया हूँ। आज था जुमा और हम जा रहे हैं क्योंकि अभी मुझे लेना है पठानी सूट सिलवाना है मुझे बकरीद के लिए, तो जॉन हमारे नीचे इंतजार कर रहा है। सनी को ना यहाँ दिल्ली में शाहीन बाग में एक टेलर है, हाँ। तो उनका ही फिटिंग और उनका ही सब अच्छा लगता है। 4:30 की ट्रेन है 5 बजे की, उसके बाद फिर निकलते हैं सीधा मुंबई। क्या एक बार फिर से शाहीन बाग में है। शाहीन बाग में आउटफिट की शॉप है रुमाइसा, उन्होंने हमें बुलाया था, हम उन्हें पहले भी मिल चुके हैं, तो चलिए आज उनसे हम मिल के आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा जल्दी हाँ जल्दी अब बताओ जो ईद पे फिर पहनूंगी वही। हाँ। वो गरारे शरारे से कॉटन के ये देखो, सब बहुत सारे पीसेज हैं आपको, जैसे लाइट फिटेड चाहिए ये वाला अलग से अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला भी है, कौन सा ये वाला, ये वाला चलो सर सनी भाई को पसंद आ गया। बस ये दो दे दीजिए, बस यही अभी ये अभी इनका कलेक्शन सच में अच्छा है। दो दिन बकरीद के लिए हो गए, दो दिन वैसे तो 3 ड्रेसेस बनती हैं भाई। चलिए भाई अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। दिल्ली में हो रही है बारिश, हम दिल्ली में आए फ्रेंड्स, देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है दिल्ली का। सनी को लोअर चाहिए ट्रेन में पहन के जाने के लिए। दिल्ली में आ गए, तुमने मौसम अच्छा कर दिया यहाँ का। फ्रेंड्स हम लोग जा रहे खाना खाने। अपनी मंजिल पे पहुंच ही गया भीग भीग के, क्योंकि बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकते थे क्योंकि ट्रेन पकड़ना है जो कि 5:15 पे है निजामुद्दीन स्टेशन से। इनको बिना दिल्ली का खाना खाए जाना नहीं था। थैंक यू, चलो हैप्पी बर्थडे तुमको, बाय बाय। तुम्हारे साथ हुई फोटो, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया, खाना बहुत अच्छा था, खा लिया, बहुत अच्छे लोग भी थे। अभी चलते हैं टैक्सी की तरफ, फिर निकलते हैं स्टेशन। जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ रहा है, थैंक यू आपने हेल्प कर दी। चलो जल्दी, तो ये भाई बहुत बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमारी बहुत अच्छी हेल्प कर दी, फटाफट हमें निकलना नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम मोहित है। मोहित कहाँ रहने वाले हैं? मैं यूपी कन्नौज का हूँ। अच्छा कन्नौज से हैं। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेशन पहुंच गया।
ये तेजस में हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा ना। यहाँ से यहाँ से चलो भाई तेजस। अरे सही है उसकी सीट यार, नीचे की नहीं, कोई ये राजधानी जैसा ही है ना सेम। हाँ, राजधानी जैसी। वो शाम का नाश्ता आ चुका है ट्रेन में, जैसे राजधानी में आपने सबने देखा होगा तो वैसे ही वाला ये तेजस में भी आया है। और अभी बस मेरा चाय का ज्यादा मन कर रहा है, बाकी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि हमने अभी जस्ट लंच किया था जहरा में। जहरा था ना, जहरा। और सनी का बस ये खाने का मन कर रहा है, फेवरेट सोन पापड़ी। फ्रेंड्स मथुरा जंक्शन आ चुका है, खुशी देखो खुशी मथुरा के पेड़। मैं पता है सच में भूल गई थी, मैं ये वाले घर जाने लगी थी अभी। आ तो आंटी स्कूल नहीं गई? नहीं, हम नहीं जाएंगे। अच्छे बेटा, मुझे था कि मैं जा रही थी। कैसे घर अच्छा लग रहा है? बस घर अच्छा लग रहा है। वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।